हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। आज मैं आपको अपने गार्डन में कुछ सीड डाले थे उसका अपडेट देते हुए कुछ सीड तो बहुत अच्छे से जर्मिनेशन हो चुका है उनका। कुछ मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिए हैं। ये मैंने कुछ आइस प्लांट के सीड डाले थे जो कि कुछ अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। कुछ ट्रांसफर भी मैंने इसको ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। देख सकते हैं ये कुछ पॉपी के सीड हैं, कुछ मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं इनके। ये डॉग फ्लावर है, ये मैंने डहेलिया की कटिंग लगाई थी, ये वही है। ये कुछ आज प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं। ये कुछ मैंने इसमें डॉग फ्लावर और आइस प्लांट के सीड लगाए थे जो कि मैंने इसमें सब ट्रांसफर कर दिए हैं। और इन सब के लिए मैंने ग्रो बैग्स ही बनाए जो कि घर में मैंने तैयार किए थे। ये मैंने मेरे कुछ बैंगन के प्लांट थे जो कि देख सकते हैं आप कितने अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसकी बैंगन के फल बहुत ही अच्छे बन गए हैं। बस ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। कुछ सीड मैंने ये एनुअल कैश हंथे में उनके भी डाले थे जो कि अच्छे से अब ग्रो हो रहे हैं। और ये बोक छो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये एक मैरी गोल्ड का प्लांट है। ये मेरा डॉगी, बहुत अच्छा लगता है ये। चल दो, ये रेड फ्लावर आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अभी सीजन में बहुत अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है कॉप्सकॉम का। ये मेरी कुछ एनुअल क्रैशैंथेमम है, मैंने बहुत जगह इनको ट्रांसप्लांट कर दिया है, बहुत छोटी छोटी सीड थी। और ये अलसी के कुछ सीड हैं, फिलॉक्स इसको बोलते हैं। ये कॉर्नफ्लावर है, इसको भी मैंने सीड से ग्रो किया था। बॉक्स छुई तो बहुत जगह लगी हुई हैं। ये कॉस्मोस के सीड तैयार हो रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर अभी आने वाले हैं क्योंकि ये गुलदाउदी में बहुत अच्छे अच्छे अभी बर्ड्स आ रही हैं। बस कुछ टाइम और लगेगा इनको खिलने में, ब्लूमिंग होने में, फिर बहुत सुंदर लगेगा। ये अपराजिता की मेरी बेल देखिए, देख सकते हैं अब कहाँ तक चली गई है। इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। एनुअल क्रैशैंथेमम बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं, बहुत सुंदर इसके फ्लावर लगते हैं। आप एक महीने में इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये कुछ कैलेंडुला हैं जो मैंने सीड से तैयार किए थे। ये मेरा ओलियोक है, देख सकते हैं आप इसकी हाइट कितनी अच्छी हो रही है। और कुछ बर्ड्स भी इसमें बनने लगी हैं, आप देख सकते हैं। और ये मेरे जरवेरा जो कि 2 ईयर्स के हो चुके हैं, 2 ईयर्स पुराने प्लांट हैं ये। इनसे मैंने बहुत सारे मल्टीप्लाई करके प्लांट बना लिए हैं जरवेरा के। कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दे दिए हैं। और ये नेस्टेशियम, इनमें भी फ्लावरिंग होने लगी है स्टार्ट, देख सकते हैं कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। एक तो इनके पत्ते लीव्स इतनी सुंदर लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती है, मुझे तो इसकी लीव्स बहुत पसंद है। और ये बॉक्स छोई मैंने सीड से तैयार किए थे, ये वही है। बहुत सारे मैंने सीडलिंग तैयार की थी। यहाँ पे कुछ पिटोनिया लगे हुए हैं। और ये रोज़ बहुत सुंदर अभी ब्लूमिंग पे है, ये गजानिया है। और ये एस्टर, वरवीना, अगेन पिटूनिया, बिगोनिया, फिर से पिटूनिया। और ये मेरे कैलेंडुला जो कि ब्लूमिंग हो गई है इनकी, बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। ये मैंने शीट से तैयार किए थे, इसके कुछ प्लांट इसमें से निकाल लिए थे बट अभी कुछ नहीं निकाले थे मैंने, इसी में छोड़ दिए थे। बस वो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग पे आ गए हैं। एक जरवेरा यहाँ पे भी मैंने लगाया हुआ है, इसमें भी फ्लावर हो गई है स्टार्ट। ये मैंने अपना कटिंग कर दिया था, इसका प्रूमिंग कर दी थी पिछले महीने अक्टूबर में, प्लूमेरिया में। अब इसमें आप देख सकते हैं फिर से स्टार्ट पत्तियाँ आ चुकी हैं। और ये कुलियस लगा हुआ है,
ये कोप्सकॉम का देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा जो कोप्सकॉम बहुत सुंदर लगता है। और ये कलंचो, इसमें बस वर्ड्स बनने लगी हैं अब। ये कॉर्नफ्लावर है, इनमें उनको भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था। ये कैनफ हिबिस्कस देख सकते हैं, अब इसकी हाइट कितनी ज़्यादा हो रही है। फ्लावर देख सकते हैं आप कितना प्यारा लगता है, ब्यूटीफुल। इसका फ्लावर बहुत सुंदर है, इसकी हाइट भी बहुत हो चुकी है। देखिए देखिए, इसको मैंने 10 इंची के गमले में लगा हुआ है। ये कुछ डॉग फ्लावर, इसमें सीडलिंग, इसमें मैंने सीड बहुत सारे डॉग फ्लावर के सीड डाले हुए थे जो कि बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए थे। इसमें से कुछ मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। ये मैंने कुछ अडेनियम की यहाँ पे कटिंग लगाई हुई है, देख सकते हैं ग्रो बैग इसमें लगाई हुई है, ग्रो बैग में। देखते हैं ये चल जाएं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इनको लगाए हुए। और मैं आपको बहुत सुंदर, ये नर्सरियम के यहाँ पे भी मैंने सीडलिंग डाले थे जो कि अभी फ्लावरिंग करने लगे हैं। और ये ग्लैडिया, ये मेरे दो साल पुराने प्लांट हो गए हैं, ये ग्लैडिया और ये वाला ग्लैडिया भी। बहुत सारे उसमें से छोटे छोटे प्लांट जर्मिनेट हो गए हैं, ये देख सकते हैं ग्लैडिया में बहुत सारे प्लांट आ रहे हैं। और ये गुलदाउदी में देखिए आप कलर, ये बर्ड्स आई हुई हैं, अभी खिले नहीं हुए हैं, बस बर्ड्स आई हैं, खिलना बाकी है। कुछ कुछ खिलने भी लगे हैं, कुछ दिनों में ये खिल जाएंगे। ये मैंने बोगनविलिया की पिछली वीडियो में बताया था आपको प्रूनिंग करनी है, तो कल मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और इसमें कुछ खाद वाद भी डाल दिए। तो आप देख सकते हैं मेरा गार्डन छोटा सा, इस तरफ कुछ कुलियस है, कुलियस को मैंने, मुझे कुलियस बहुत पसंद है प्लांट, कुलियस का। ये आप देख सकते हैं, ये एक रोज़ है बहुत सुंदर सा, कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी भी बनाई हुई है। ये कोप्सकॉम का देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। मुझे कुछ अभी गार्डन में बहुत सारा काम करना है, सीडलिंग ट्रांसप्लांट करनी है और कुछ नए प्लांट भी लाना है। तो आप देख सकते हैं मेरा गार्डन कुछ इस तरह से आ रहा है, अभी ब्लूमिंग कर रहा है। नेक्स्ट महीने तक बहुत अच्छा ब्लूमिंग हो जाएगी इसकी। ये मेरा लेटा हुआ है सुल्तान प्यारा सा, ये मैरीगोल्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ तो गिलहरियाँ खा जा रही हैं, कुछ अभी लगा हुआ है, कुछ उसमें फ्लावर हो रहे हैं। और ये क्रिसैंथेमम बटन गुलदाउदी, ये देखिए खिलने भी लगे हैं। तो बाय फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा गार्डन प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।